दैट्स ऑल मिस्टर गोंजाल्वेस। ऐसा कीजिएगा तमाम रिमाइंडर्स जल्दी से इन्फॉर्म्स को भिजवा दीजिए। ओके सर, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी शौक साहब। सर डोना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डायरेक्टर आए हैं, उनसे कह दे मैं नहीं मिल सकता। लेकिन सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शौकत साहब आप जानते हैं ये टाइम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लेना है। मैं बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने बच्चों को इंतजार की अजियत में नहीं देख सकता। मैं चलता हूँ, देर हो रही। बच्चे सभी के होते हैं लेकिन ऐसा बाप शायद ही किसी का हो। एक्सेप्ट नहीं करता, पहले ब्रश और वॉश देन गुड मॉर्निंग। ओके मैडम। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तुम लोग शुरू करो। तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ लिया? यस मैडम। वेरी गुड 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 गुड। शी लुक्स लाइक अ शुगर इन अ प्लम। प्लम प्लम। मैडम? यस। आज न्यूज़पेपर में एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ थी। व्हाट? हमारे शहर में ना एक सरकटा शैतान आ गया है। ओह नो, मैं ऐसी बात पर बिलीव नहीं करता। आप चाहे यकीन ना करें मैडम, लेकिन कल से शहर के सारे लोग डरे हुए हैं। ये सरकटा शैतान ना जिधर भी जाता है उधर आग लग जाती है। ओ सब गलत है बेबी, एकदम रॉन्ग। और अगर वो सरकटा शैतान यहाँ आ गया तो अब उसके टांगे तोड़ देगा। तोड़ देगा टांगे, तोड़ देगा, तोड़ देगा।
क्या करें बेटे, जब आप लोग सामने आते हैं ना तो हम आपको पप्पी किए बगैर रह नहीं सकते। आप लोग पापा की जान जोगे हैं। चलो हम साफ कर देते हैं। ये भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया, ठीक है। पापा, आज हमारे घर में ना एक सरकटा शैतान आ गया। अच्छा। और उसने पापा मैडम का अखबार जला दिया। हम जानता सरकटा शैतान कौन है। मिस्टर बकार, हमारा रिजाइन, हम एक पल भी नहीं ठहरेगा। मगर हुआ क्या मैडम? ये बच्चा लोग हमको सरकटा शैतान का बोलकर हमारा अखबार चलाता, हमको डराता। एंड यू नो, हम हार्ट का मरीज है, हमारा हार्ट अभी तक ढील नहीं करता। मैडम, आप खुद ही तो कहती थी ये सरकटा शैतान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, फिर क्यों डरी? व्हाट? सुनो मास्टर, अब हम इधर एक मिनट भी नहीं ठहरेगा। मैडम मेरी बात तो सुने ना। हम किसी का कुछ नहीं सुनेगा, हम इधर सबका ख्याल रखता, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। हम अभी और इसी वक्त इधर से जाएगा, इधर बिल्कुल नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। गुड बाय। पापा प्लीज मैडम को रोक लीजिए। मैं कैसे रोकूं? देखा नहीं मैडम कितने गुस्से में थी? ये आग तुम दोनों ने लगाई, अब जाके तुम ही रोको उनको। चलो जाओ वरना चली जाएंगी। जाओ हम उधर जाकर रहेगा तो ये भी इधर रहेगा, इनको भी चैन नहीं आएगा। अब सचमुच जा रही है मैडम? यस मैडम, अगर हम आपको 100-100 पप्पियां लें फिर भी? हम पप्पी पप्पी नहीं करेगा, जाएगा। अगर हम आपको डांस करके दिखाएं फिर भी? फिर भी जाएगा। अगर हम हाथ जोड़कर एक्सक्यूज कर लें? हम एक मिनट भी नहीं ठहरेगा, जाएगा जाएगा। जाते हैं तो जाओ। लेकिन याद रखो मैडम, अगर तुम चला गया तो हम ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, हम मर जाएंगे मैडम, मर जाएंगे हम। देखिए मैडम, आप हमारी जान है, हम आपसे वादा करते हैं आइंदा भी शराब नहीं करेंगे, प्लीज मैडम। मैडम सब बच्चों की अम्मियाँ हैं, हमारी तो अम्मी भी नहीं है। मैडम प्लीज हमें छोड़कर ना जाएं। मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, हम चुड़े चुड़े नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आइए मैडम, आइए। मास्टर, वो हमारा कागज वापस कर दो, हम रिजाइन नहीं देगा। आओ, आपका कागज ये रहा। मुझे यकीन था मैडम कि आप हमसे अपनी गवर्नेंस का नाता तो तोड़ सकती हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत और अपनी शफकत का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आप हम सबकी मम्मी हैं मैडम, और अब कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। मम्मी? तुम हमको मम्मी बोला ना, दिल में वो इतना बड़ा प्लेस दिया। ओह मास्टर, यू आर ग्रेट मास्टर, यू आर ग्रेट मास्टर। तुम हमको मम्मी बोला तो हमारा एक बात भी मानो। बोलिए। अब तुम शादी बना लो। जब से बच्चा लोग का मम्मी का डेथ हो गया, घर बिल्कुल वीरान हो गया। अगर मैंने शादी कर ली मैडम तो मुझे डर है ये घर और वीरान ना हो जाए। यस मैडम, देखिए ना, मेरे लिए तो अच्छी से अच्छी बीवी मिल सकती है, लेकिन जेनी और इफ्ती के लिए अच्छी माँ नहीं मिल सकती। ओ मास्टर, तुम जितना ग्रेट है उतना सिद्धि भी है। हेलो, 26000। कौन बोल रहा है? जमीला, क्लास 3B। आप कौन बोल रहे हैं? अनीस। सिर्फ अनीस? पूरा नाम बताइए ना। अनीस अली, हेल्थ सेंटर ऑफ पंजाब, ऑफिसर क्लास 1। ओह, तो आप मुझसे दो क्लास पीछे हैं। क्या
आपको तो इफ्फी से बात करनी चाहिए। इफ्फी से क्यों? वो नालायक भी आपकी तरह अभी तक क्लास वन में है। देखिए देखिए प्लीज प्लीज एक मिनट आप होल्ड करें। इफ्फी इफ्फी तुम्हारा फोन है भाई? ओहो एक तो ये फोन ने बहुत तंग किया हुआ है। हेलो देखिए सर तुम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, आप फिर किसी वक्त फोन कीजिएगा। जी आप चाहे गुल्ली डंडा के लिए, मुझे वकार साहब से बात करनी है। पापा से? अच्छा होल्ड कीजिए। जी जी बड़ी मेहरबानी होगी। यार कितने फंस गए। हेलो पापा आपका फोन है। अच्छा ठीक है तुम उधर से बंद करो मैं उठाता हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो कौन? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? यार अनीस बोल रहा हूँ। अबे उल्लू तुम कब आए कराची से? चंद दिन हुए हैं, पक्का ही आ गया हूँ, मेरी ट्रांसफर हो गई है। अच्छा वेरी गुड, तो फिर मेरी तरफ कब आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो आज इवनिंग में। ओके कहाँ? ऑफिसर्स कॉलोनी बंगला नंबर 15। क्यों भाई खैरियत तो है? मैं अपनी बीवी की शादी की सालगिरह मना रहा हूँ। और यार उसकी दूसरी शादी नहीं है, मेरी और उसकी शादी की सालगिरह है। अंडरस्टैंड? और हाँ अकेले नहीं आना, साथ में अपने वालदैन को लेके आना। क्या बात है? यार अपने बच्चों को लाना मत भूलना। तुम उनसे कब मिले? अभी अभी मुलाकात हुई है, इसीलिए तो उन्हें तुम्हारे वालदैन कह रहा हूँ। मिला रहे हो ना? हाँ भाई ऑफ कोर्स, तुम्हारी शादी की सालगिरह और मैं कैसे नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओ खुदा मैडम, अगर हमारी मम्मी होती तो हम भी मम्मी और पापा की इसी तरह सालगिरह मनाते ना। मैडम क्या अल्लाह मियां के घर से हमारी मम्मी वापस नहीं आ सकती? ओह नो, उधर से कोई वापस नहीं आ सकता। हमने तो तुम्हारा पापा को बहुत दफा बोला कोई नई नई दूसरा वाला मम्मी अरेंज करो, मगर वो मानता नहीं। मैडम दूसरी मम्मी कहाँ से मिलेंगी? आप हमें बताइए मैडम, हम उन्हें ढूंढेंगे। दूसरा मम्मी को तो तुम ढूंढ लेगा, पापा को कौन मनाएगा? पापा को हम मनाएंगे मैडम। अब नहीं माने तो? ऐसे नहीं मानेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनसे खुद ही कर देंगे। जेंटल एंड द लेडीज मैन, आज हमारी पार्टी में बेशुमार फ्रेंड्स के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो जिस महफिल में जाती है जादू कर देती है, और यह जादू है उनकी सुरीली आवाज। तानिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शख्सियत ने आज तक किसी प्राइवेट महफिल में जाकर अपनी आवाज का जादू नहीं जगाया। यह ऑनर सिर्फ हमें हासिल है क्योंकि वो हमारी बेवा की बीवी की सहेली है। तो आ रही है मुल्क की मशहूर नंबर पॉप सिंगर मिस होंगकॉन्ग मिस राशि।
अपने साथ मुझे ले जाएगा, चुपके से कहीं मिल जाएगा, चुपके से कहीं मिल जाएगा, शायद वो यही मिल जाएगा। उसका अंदाज निराला है, मेरा बालम आने वाला 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 है। यार ये देखो हमारे हाथ जुड़े हुए, अब तो तुम भी शादी करो। ये सब फजूल बातें हैं दोस्त, तकदीर ने अपने हाथ से शादी की लकीरें मिटा दी। ये देखो साफ शफाफ हाथ है। ये हाथ तो तुमने रगड़ रगड़ के लकीरें मिटा दी, मैं जानता हूँ। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय बाय। जरा गाड़ी रोकिए पापा। क्या हुआ मिस रोशी? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई खराबी हो गई शायद। और कितनी देर लगेगी ड्राइवर? गाड़ी स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है मेम साहब। ओफो, आप परेशान ना हो, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। आप? जी हाँ हम। आइए ना प्लीज, हमें खुशी होगी। लेकिन प्लीज मिस रोशी आइए ना। खामोश क्यों है? कोई बात कीजिए ना। क्या बात करूं? कोई भी। मसलन? मसलन आपकी शादी हो गई है? नहीं। वेरी गुड। मैं आपको कैसा लगा हूं? बहुत प्यारी। और मैं? आप भी बहुत प्यारी हो। और हमारे पापा? तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते? आप ड्राइविंग में ध्यान देना पापा, हमारी बातें क्यों सुनते हैं? ओह माय गॉड, प्लीज आप इनकी किसी बात को सीरियस मत लीजिएगा मिस रोशी, ये ऐसे ही बकते रहते हैं। कोई बात नहीं। मिस रोशी आपके घर में कोई बड़ा है? क्यों, हमें उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बातें? आपसे क्या छुपाना, आप हमें पसंद आ गई हैं, हम आपको अपनी मम्मी बनाना चाहते हैं, अपने पापा की बेगम। यहाँ से राइट हैंड बोल लीजिए, मेरा घर आ गया है। मामा किधर हैं आप? बहुत देर लगा जी फंक्शन में। बस देर हो गई। फंक्शन की कोई खास बात? कोई खास नहीं। हाँ एक है। क्या? तो क्यूट से बच्चे, पता है मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहते थे। मुझे उनकी बात करने का स्टाइल बहुत पसंद आया। शायद ये मुलाकात और वो बच्चे मैं काफी दिनों तक ना भूल सकूं। जेनी सो गई हो? नहीं तो फिर खामोश क्यों हो? सोच रही हूँ। क्या? पापा के हाथ में शादी की लकीर नहीं, इसलिए वे शादी नहीं करते। लेकिन हमारे हाथ में तो बहुत सी लकीरें हैं, इनमें से कोई तो ऐसी होगी जो हमें मम्मी से मिला दे। तुम भी पागल ही हो, हाथों में सिर्फ बीवी की लकीर होती है, माँ की नहीं। चलो सो जाओ। क्यों सो गए? सॉरी पापा, रात को हमें डर लगा इसलिए हम आपके पास आकर सो गए। डर? क्यों डर क्यों लगा? पापा रात को हमारे पास तकदीर आंटी आई थी। तकदीर आंटी? ये कौन है? अभी वही जिन्होंने आपके हाथ से शादी की लकीर मिटा दी है। अपनी लाल लाल आंखें निकाल कर कहने लगी, तुम्हारे पापा झूठ बोलते हैं, उनके हाथ में शादी की लकीर है, मैंने नहीं मिटाई,
वो इस शीशे में से आंखें खोलकर गौर से देखें और शादी कर लें। ये कहकर वो ये शीशा हमें देकर गायब हो गई। हम बहुत डरे पापा और आपके पास भाग गए। आपको इतना जगाया आप जागते ही नहीं थे। देखिए तो सही, तकदीर आंटी झूठ तो नहीं कहती थी, देखिए ना। अरे ये लकीर ये कहाँ से आ गई यहाँ? यही तो शादी की लकीर है पापा। अच्छा अभी देखता हूँ शादी की लकीर। ये बच्चे बड़े शरीर हो गए, सोते में हाथ पे लाइन खुद लगा दी और नाम तकदीर आंटी का लगा दिया। आपको मिस रोशी अच्छी नहीं लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम आपके लिए कोई और रिश्ता देखें। What? ओहो, एक तो जब भी कोई ऐसी बात होती है आप नाराज हो जाते हैं। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? सिर्फ एक कदम मम्मी, बस आप शादी कर लीजिए। मिस रोशी से नहीं तो किसी और से। देखो यार, तुम लोग आखिर क्यों मेरी मिट्टी पलीत करना चाहते हो? हाँ, अब मैं अपने लिए बीवी ढूंढता हुआ अच्छा लगूंगा? चलिए ये काम हम पर छोड़ दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए पापा देर हो रही है। अच्छा 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 चलो पापा। अब क्या है? आपको मिस रोशी अच्छी नहीं लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम आपके लिए कोई और रिश्ता देखें। मैडम, क्या बात है मास्टर, इतने घबराए हुआ क्यों है? जेनरिफी घर तो नहीं आए? नहीं, स्कूल में भी नहीं है। क्या बोलता है, स्कूल में भी नहीं है? किधर चला गया? जेनी का कोई पता नहीं लगा मैडम। बच्चा लोग तो कब का आ गया? घर आ गया? हाँ, अपने कमरा में है।
ये सब क्या है मैडम? हमको नहीं मालूम, ये छोकरे लोग। जेनी फे किधर हो तुम लोग? हम यहाँ हैं पापा। ओ बेबी तुम लोग किधर रह गया था? हम पापा के लिए बीवी और अपने लिए मम्मी ढूंढ रहे थे मैडम। ये देखिए ये सब तस्वीरें हमने उतारी है। इन सब के पते भी नोट किए पापा। और अब पापा जिस पर उंगली रखेंगे उसे हम अपनी मम्मी। प्यार करने का मतलब नहीं कि तुम लोग मुझे और परेशान करो। बर्दाश्त की भी कोई हद होती। बच्चा रुक, तुमने पापा को बहुत परेशान किया। प्लीज डोंट क्राई। माफी मांगने हैं पापा। पापा हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप हमसे सुलह कर लें पापा, हम आइंदा कभी नहीं मम्मी का नाम नहीं लेंगे। पापा हम आपको बहुत दुख देते हैं ना, आप हमें अल्लाह मियाँ के पास भेज दें। अगर हम अपनी मम्मी को वहां से ले आए फिर तो आप नाराज नहीं होंगे ना? नहीं बेटा नाराज नहीं होंगे, लेकिन वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आया करते। हम अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें वापस जाने दे। हमारे पापा हमारे बगैर नहीं जिंदा रह सकते। भाई आपके पापा आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकते, बिल्कुल सही है। पापा वो हाँ बेटा, अब पापा आप दोनों से हार गए, अब वही होगा तो तुम दोनों चाहोगे। पापा आप शादी करेंगे ना? अच्छा बाबा मैं शादी करूंगा, लेकिन ये तुम सब लोग मिलके चू चू तो बंद कर दो प्लीज। मास्टर अच्छा बच्चा लोग बताओ इस खुशी में क्या खाओगे? हम चाइनीज। चाइनीज और मूवी देखेंगे। विच वन? ड्रैकुला की वापसी। ओह नो। नहीं 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 हम मिस रोशी का वैरायटी शो देखेंगे। यस रोशी। मास्टर दैट रोशी। ये कहाँ हो रहा है? लकी ऑडिटोरियम में। ओह लकी।
हेलो, थैंक यू। आपने मैं पहचाना? अरे आप भी तो भूलने वाली चीज है। सुनाइए, आपको मम्मी मिल गई? जी नहीं, हमने 1001 लड़की देखी, मगर क्या करें, लड़के को एक भी पसंद नहीं। अच्छा, अब क्या करें, उनकी पसंद भी तो जरूरी है। पहले लड़की दुल्हन तो उन्हीं की बनेगी, हमारी मम्मी तो बाद में बनेगी। ये तो है, लेकिन इस तरह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब क्या करें, जमाना ही ऐसा आ गया है, लड़के नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। तौबा तौबा, हम आपको एक मशवरा दें। जी, आप ये सारी जिम्मेदारी अपने पापा के सर डाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। वो इस मामले में पहले बहुत ढीले और पहले भी बहुत देर हो चुकी है। जेनी, इफी, बेटे जल्दी आओ, देर हो रही है। देखा, कितने शर्मीले हैं हमारे पापा, हराम है जो किसी लड़की के सामने आ गए। आपको एक तमाशा दिखाए, कुछ रह गया अभी देखिए तो सही। अंदर आ जाइए ना पापा। नहीं बेटे, देर हो गई, चलो जेनी को बुलाओ, चलो। आप आइए तो सही, ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। मैं खामोश रहिए, इतनी चक्कर चला रहा है। लेकिन मैं आइए ना पापा। हेलो ऋषि, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इनकी बात मान के नहीं लेते। जी कौन सी बात? इन्हें मम्मी ला दीजिए ना। ठीक, वो ये लोग तो बस लीजिए आगे। अच्छा मिसोशी, चलते हैं। बैठिए ना, कोई कोल्ड ड्रिंक पीजिए। हाँ पापा, बहुत प्यार लगी अभी। बेटा तुम लोग वहाँ बाहर, मैं चला दूंगा। थैंक यू मिसोशी, मुझे दरअसल किसी और काम से भी जाना था। खुदा खुदा। बहुत शरीफ है। का जादू चल गया पापा पर। हाँ खैर, अभी जासूसी करते हैं। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं। जब से आप मिस ऋषि से मिलकर रहे हैं, चुप चुप से है। मिस ऋषि के मतलब सोच रहे हैं पापा? मिस ऋषि, मैं क्यों सोचूंगा, बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहे हैं पापा? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा ले मैडम, प्लीज टेक केयर। Yes? पापा की भूख मर गई है। बगैर तस्वीर के काम हो गया। Oh, yes. तो यकीन हो गया कि पापा को मिस ऋषि पसंद आ गई है। अरे वो छोकरी तो हमको भी बहुत पसंद है। प्लम 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 प्लम। गुड मॉर्निंग मिस ऋषि। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे आ गए? आज स्कूल से छुट्टी थी, पापा भी सो रहे थे, हम ड्राइवर को लेकर आ गए। वेरी गुड, क्या खाओगे? खाएंगे बाद में, पहले आपसे कुछ जरूरी बातें हो जाए। खैरियत? साफ बात यह है मिस ऋषि कि हमारे पापा का इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं, और वो बात करते हुए लड़कियों की तरह शर्माते हैं। बस हम नहीं है जो उनके लिए बात करें। कैसी बात? आप अपने किसी बड़े को बुलाइए। मेरा बड़ा तो कोई है ही नहीं, एक माँ थी, अरसा हुआ वो भी साथ छोड़ गई, बस सिर्फ मामा ही हैं, वो ही मेरा सब कुछ है। मामा को ही बुला दीजिए। जी अच्छा, मामा ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बैठिए। दरअसल हम आपसे मिस ऋषि को मांगने आए हैं। मैं समझी नहीं। आप अपनी बेटी को हमारी मम्मी बना दीजिए, हमारे पापा इनको फूलों की तरह रखेंगे। देखिए लड़की शर्मा गई है। आप लोगों को यहाँ किसने भेजा है? हम खुद आए हैं, आप हमें खाली हाथ ना लौटाइएगा। हम आपके सामने झोली फैलाते हैं, अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दीजिए। मामा आप जाइए, जाइए आप अंदर।
तौबा तौबा। मिस रोशी आप हंस रही हैं, हम आपसे मजाक तो नहीं कर रहे, आप वाहिद लड़की हैं जो हमें भी पसंद है और हमारे पापा को भी। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे मालूम कि आपके पापा मुझे पसंद करते हैं? हमारे पापा जब से आपका गाना सुनकर गए हैं चुप चुप से हैं और ठंडी ठंडी आहें भरते हैं, खासे बेचैन भी है। आप सोच भी डूब गई, आप राजी है ना? मैं सोचना समझना चाहती है। ठीक है हम आपको कल तक का वक्त देते, लेकिन आप कल तक अच्छी तरह सोच समझ कर हमें बता दीजिएगा। हम कल न्यू गार्डन में आपका 2 बजे इंतजार करेंगे। न्यू गार्डन वहाँ क्या है? वहाँ फूलों की नुमाइश है, फूल भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। ओके। अरे कहाँ जा रहे हैं, चाय आ रही है? नहीं कोई जरूरत नहीं, हम नाश्ता पापा के बगैर नहीं करते। कल 2 बजे न्यू गार्डन, भूलिएगा नहीं। बाय बाय। बाय बाय। ओ 1:30 बज गया है, इस सूट से तो ये ही अच्छी लगेगी। ओह अच्छा ठीक है मैं बांध देता हूँ, लेकिन पापा ये कौन? बेटे मगर तुम लोग मुझे इतना सजा बना क्यों रहे हो? ओहो पापा फूलों की नुमाइश देखने जानी है। हाँ हाँ पता है मुझे। तो पापा बेशुमार लोग आए होंगे, कोई अपने वाकिफ का ही मिल जाते हैं। बस जल्दी करें ना, ये लिए पापा। अरे यार है जाओ टाई तो बांधू। ओहो लाओ यार पहना दो, चल मुश्किल में डाल दिया मुझे। ओहो आ गया भाई, मगर वो फूलों की नुमाइश कहाँ है? दैट साइड पापा। दैट साइड। अरे भाई यहाँ तो कोई नुमाइश नुमाइश है नहीं। हाँ जेनी जेनी इफ़ी को ढूंढ रहा था। मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया था। आपको यानी फूलों की नुमाइश देखने? लेकिन यहाँ तो कोई फूलों की नुमाइश नहीं। जी हाँ लगता है उन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया है। क्यों पता नहीं क्यों बड़े शरीर हैं। आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? कौन सी बात? शादी कर लीजिए ना। किससे? बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। लगता है मिस रोशी गड़बड़ कर रही हैं। जी हाँ लड़कियां तो बहुत सी मिल जाएंगी, बल्कि वो दोनों बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें लाए भी थे, मगर उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसकी आंखों में मुझे अपने बच्चों के लिए ममता छलकती नजर आए। देखिए ना शादी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, शादी उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम है? जी हाँ मम्मी उन्हें चाहिए। तो उन तस्वीरों में से आपको एक भी पसंद नहीं आई? जी नहीं। पापा आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मिस रोशी आपको पसंद है? आपको यहाँ इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि तस्वीरों के मुतालिक बातचीत शुरू कर दे, बल्कि एक दूसरे को देखे परखे पसंद करे और शादी कर ले बस। ओहो लगता है अब ये काम भी हम ही को करना पड़ेगा। निकालिए हाथ, निकालिए। आप भी निकालिए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन मिस रोशी आज अपनी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस कर रही है। ये इनकी परफॉर्मेंस की आखिरी रात है, कल वो घरवाली हो जाएंगी। उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया है। जाती हुई रात के आखिरी सांसों के संग
अपना आखिरी गीत गाती हैं मिस रोशी। पापा हमारे बेडरूम में जाकर सो जाएंगे, ठीक है ना पापा? पापा अब जाइए बीजा, हमें नींद आ रही है। गुड नाइट रोशी। गुड नाइट। तो इस वक्त वो शैतान की खाला और वो चचा कहाँ है? स्कूल गए। यार मेरी मानो, तुम कुछ दिनों के लिए मरी चले जाओ। क्यों भाई? हनीमून मनाने के लिए
वरना जिस किस्म के तुमने ये पीस पैदा किए वो सारी जिंदगी तुम्हें हनीमून नहीं मनाने देंगे। नहीं, मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। यार क्यों मर्दों की नाक कटवानी है? एक बार हनीमून मनाओ, उसके बाद चाहे रिटायरमेंट ले लेना। हमेशा बकवास ही करते रहते हो। मेरी बकवास तुम्हें उस वक्त याद आएगी जब 3-4 महीने के बाद दुल्हन और दुल्हन के लवाहेकीन तुम्हें यूं देखेंगे। कुछ शर्म करो, शर्म। भाई शर्म है, शर्म कैसी? कभी बिश्ती जबर पड़ा? जी नहीं। तो बीवी से लेकर पढ़ो और हनीमून मनाओ, बच्चों को राजी करना मेरा काम। हम मम्मी को अपने लिए लाए थे, पापा को नहीं लेकर जाने देंगे। देखो बेटे वो। ओहो अंकल, आप हमारे बीच में ना बोलिए, हम मम्मी को पहाड़ पर तो क्या घेर तक भी नहीं जाने देंगे। ओ यार सुधा का वास्ता है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। देखो बेटे, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के साथ पहाड़ पर नहीं जाएगी तो वो तुम्हारी पक्की मम्मी नहीं बनेगी। पक्की मम्मी? देरी हो गया। नहीं मैडम, हमें भूख नहीं है। चार दिन से तुम लोग कभी डिनर नहीं करता, कभी लंच नहीं करता, क्या हो गया तुम लोगों को? अगर हमारी तरह आपके मम्मी डैडी आपसे बिछड़े होते ना तो तब आपको पता चलता कि हमें भूख क्यों नहीं लगती। ओ, फोन। पापा का फोन। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो मास्टर। हाँ हाँ जाग रहे, जाग रहे। हेलो हेलो पापा, कैसे हैं? पापा मम्मी कैसी हैं? पापा आप उदास तो नहीं हुए? नहीं पापा, हम बिल्कुल नहीं रोए। जेनी, तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम रो रही हो। नहीं पापा, हम तो बहुत खुश हैं, मैडम ने हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होने दिया। अच्छा लो, अपनी मम्मी से बात करो। हेलो जेनी। मम्मी आप तो अच्छी है ना? हेलो मम्मी, आप पापा के साथ खुश तो है ना? बहुत खुश। अब पापा हमारी पक्की वाली मम्मी हो गई है ना? हाँ। मम्मी कल आपने फोन क्यों नहीं किया? मौसम खराब था बेटा, लाइन नहीं मिली। हम इंतजार में सारी रात जागते रहे। तुम सारी रात जागते रहे? नहीं नहीं मम्मी, हम तो सो गए थे, मैडम जागती रही ना। आप सुन रही है ना? हेलो हेलो मम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो 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 हेलो
शायद लाइन कट गई है। बन गया, कोई बात नहीं दीदी, बात हो गया। उधर का मौसम बहुत खराब, कब डिनर कर चल। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है रोशी। की चाहता है मैं उड़कर चेनी और इफ़्फ़ी के पास चला जाऊं। मैं तो कब से आपको कह रही हूँ कल हम हर सूरत वापस चलेंगे। आपके चेहरे पे भी कुछ रौनक आई। अरे मिसेस बकार, आप नहीं जानती इस वक्त आपके शौहर नामदार कितने खुश हैं। मुझे अफसोस है बीबी की, वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रभु मेरी डेड पार्टी मेरे बच्चों के सामने ना ले जाई जाए, वो चांद की सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं अपने बच्चे रोशी को सौंपता हूँ। रोशी इनकी माँ भी है और इनकी हकदार भी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद रोशी दूसरी शादी कर ले, अपनी जिंदगी को मेरी मौत का रोग ना लगे। बस उससे इतनी सी इल्तिजा है कि वो मेरे बच्चों को कभी अपने से जुदा ना करे, इनकी कोई ख्वाहिश रद्द ना करे। उन्होंने पापा को खोकर मम्मी को पाया है, इनको अपनी ये मम्मी बहुत महंगी पड़ी है। इससे आगे मिस्टर वकार ने कोई बात नहीं कही। आपने सुन लिया मिसेस वकार? मैंने तो सुन लिया है वकील साहब, लेकिन मैं बच्चों को क्या कहानी सुनाऊं, उन्हें कैसे बहलाऊं? वो तो अपने पापा और मम्मी के इंतजार में दरवाजे पर खड़े होंगे। मम्मी पापा लॉन्ग लिव, 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 मम्मी पापा लॉन्ग लिव। पापा कहाँ हैं?
क्यों रो रही हैं? पापा से लड़ाई हो गई है क्या? हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? आप हमें सोता छोड़ के चली गई थी। आपको पापा ने बुलाया था क्या? नहीं नहीं, मम्मी ने बुलाया था। मम्मी ने? मम्मी ने क्यों बुलाया था? तुम्हारे पापा को सी ऑफ करना था ना, वो बहुत दूर जा रहा था। पापा लंदन गए क्या? यस। पापा दुबले तो नहीं हुए मैडम? नहीं नहीं। पापा लंदन से कब आएंगे? बोलिए ना मम्मी, पापा लंदन से कब वापस आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा। ये तस्वीर फोटोग्राफर दे गया था, हमने इधर लगा दी है। आपको देखकर खुशी हुई है ना? हाँ बेटा, पापा भी देख के बहुत खुश होंगे। लगता है मम्मी को पापा से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, जब भी तो उनकी जुदाई में रो रही हैं। वकार अब इस दुनिया में नहीं है भाभी। जब ये बच्चों को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? वो तो बाप के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। मालूम नहीं उन्होंने इतने दिन कैसे गुजार लिए। गुजरा हुआ हर दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं रहा। कोई लम्हा ऐसा न था जब उन्होंने वकार का नहीं पूछा, उसके फोन का इंतजार नहीं किया, कोई आहट ऐसी न थी जिस पर वो नहीं चौंके। अब तो वो मुझे शक भरी नजरों से देखते हैं। हंसते हंसते बाप की याद उन्हें उदास कर देती है। उनकी उदास सुरते देखकर मेरा दिल चाहता है उन्हें सब कुछ बता दूं। नहीं भाभी नहीं, ये अचानक सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें ये मनहूस खबर सुनाने से पहले जहनी तौर पर तैयार करना होगा। इस रोशी हमारे लिए अच्छी मत साबित नहीं हुई है ना इफी? क्यों? आते ही पापा को ले गई और न जाने कहां घुमा दिया। अरे तुम रो रहे हो? पापा याद आ रहे हैं। वो तो मुझे भी याद आ रहे हैं। देखो मैं कोई रो रही हूँ? छी छी छी, बच्चों की तरह रोता है। तुम भी तो रो रही हो। चलो दोनों ही नहीं रोते, ये सोचकर कि पापा को लंदन में कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। पहले भी तो वह लंदन जाते थे, हर रोज फोन करते थे, अब क्यों नहीं करते? मम्मी ने उन्हें कहीं घुमा दिए और हमसे झूठ मूठ कह दिए पापा लंदन गए हैं। अब उन्हें कैसे ढूंढे जैसे वो हमें ढूंढते थे? क्या बात है बेटे? रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? कैसी रिपोर्ट? हमारे पापा गुम हो गए, थानेदार अंकल उन्हें ढूंढ दीजिए। आपके पापा गुम हो गए? कहाँ गुम हो गए? ये तो पता ही नहीं है, मम्मी के साथ गए थे, उन्हें पक्की कर रहे, फिर वापस ही नहीं आए। हमारे पापा को जल्दी जल्दी ढूंढ दीजिए ना अंकल, वरना हम मर जाएंगे, हम बहुत उदास हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं बेटे, हम आपके पापा को जरूर ढूंढ निकालेंगे, अब आप लोग रोइए मत। अरे आप दोनों को तो बुखार है, कहाँ रहते हैं आप लोग? आखिर वो कहाँ चले गए? थे आप लोग? पापा को ढूंढने। हमने थाने में केस दे दिया है, अब थानेदार अंकल खुद ही पापा को ढूंढ लेंगे, है ना अंकल? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आप लोग फिलहाल जाकर आराम करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाओ शाबाश, आप इन्हें अंदर कमरे में ले जाएं। यस कम ऑन, कम ऑन बेबी, कम ऑन। इनके पापा की तरह जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। मर जाएंगे लेकिन दवाई नहीं पियेंगे, दवाई पियेंगे तो सिर्फ पापा के हाथ से, वरना नहीं पियेंगे। हम अभी आपकी मम्मी को बुला। कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जरा अच्छी नहीं लगती। उन्होंने हमसे हमारे पापा को छीन लिया है और हमसे झूठ बोला है कि पापा लंदन गए हुए हैं, कल आ जाएंगे। आखिर उनकी कल कब आएगी मैडम? वो कल जो बीत गई जिसमें तुम गुम हो गए, वो कल मैं कहाँ से लाऊं वकार? बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे हैं, सोचती हूँ आने वाला कल मेरे लिए और कौन सी नई परेशानी लाएगा।
बेबी, ये तुमने क्या किया? इसको क्यों छोड़ा? हम अपने पापा के साथ मिस रोशी की तस्वीर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। इन्होंने हमारे पापा को हमसे छीन लिया है। ये हमारी मम्मी नहीं, दुश्मन है। हम इनसे नफरत करते हैं। मत हाथ लगाइए हमें। आप झूठी हैं, झूठे वादे करती हैं। अल्लाह हमें वहां पहुंचा दे जहां हमारे पापा गए। बुखार खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। अगर बुखार में कमी न हुई तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं डॉक्टर, नहीं, प्लीज कुछ कीजिए। इन्हें इस वक्त बाप के प्यार की जरूरत है। अब मैं वकार को कहां से लाऊं डॉक्टर? वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। छाप ऐसा करें, फिलहाल इनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखें और हर घंटे के बाद टेलीफोन पर इनके हालत की मुझे इत्तला दें। इसके अलावा तो अगर खुदा अच्छा करेगा। होली क्राइस्ट, आपने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज जीने और फिक्र जिंदगी का ठीक मांगता। हमारी जिंदगी ले लो, उनकी जिंदगी मत छीनो, मत छीनो गॉड, मत छीनो। नहीं मैडम। रोशनी अभी कैसा है? मैडम जेनी उखड़ी उखड़ी सांस ले रही है। ओह नो, रोशनी डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। नहीं मिल रहा मैडम, शायद मौसम खराब होने की वजह से लाइन काम नहीं कर रही। ओह गॉड, मैं जाती हूँ। Thank you.
किससे मिलेगा? तुमसे। अपन से? तो फिर अंदर आ जाओ। बैठो। शगल से बहुत परेशान लगता है मेम साहब। बोलो किससे छुटकारा मांगता है? साला मीर खामिन से या किसी पुराने आशिक से? साला सीधा दिल पे लगा है। हैरान होने का जरूरत नहीं है, अपन के लिए काम नया नहीं है मेम साहब। वैसे तुम जैसा मेम साहब अपन के पास ऐसा ही घटिया काम के वास्ते आता है और अपन पैसा लेकर ऐसा काम करता है, समझा? नहीं समझा? तुम अपन को ऐसा गुरूर के क्या देखता है? तुमको अपन का चौकटा पर कोई क्रिकेट का मैच नजर आता है? जैसे नेम साहब तुमको इधर किस साला ने भेजा है? उसने तुमको ये तो बताया होगा कि अपन खतरनाक से खतरनाक काम पकड़ जरूर लेता है, लेकिन करता उस वक्त है जब माल इस टेबल पर आता है। तुम्हारा नाम क्या है? अपन का नाम टाइगर। अपन जानवर है मेम साहब, जानवर, दरिंदा, इसीलिए नाम भी ऐसा रखा। पसंद आया? अच्छा छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे रोशी कहते हैं। तुम साला रोशी या पोशी, अपना मतलब का बात बोलो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसका लिए? दो बच्चों के लिए। उनका जिंदगी छीनना है? नहीं, उनको जिंदगी देना है। मिसेज वकार अगर मेरी तरफ गई हैं, तो अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए। तो अपन साला का शकल तुम्हारा खामिन से मिलता है? तुम्हें यकीन नहीं आया? अरे यकीन तो आ गया मेम साहब, पर अपन तुम्हारा कोई मदद वदद नहीं कर सकता है। ये जो बच्चों का बाप बनने का लफड़ा है ना, ये अपन से नहीं होगा। अरे अपन तो दो मिनट में घुप करके अपना काम करता है, पसीना खुशक होने से पहले अपना मजदूरी अपना जेब में डालता है और गायब हो जाता है। समझा? नहीं समझा? तुम भी नहीं समझे टाइगर, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम अपना टाइम जाया करता है मेम साहब, सूटा लगाएगा? नहीं। अच्छा करता है। बाप बनेगा, साला टाइगर बाप बनेगा। अरे मेम साहब, अपन साला का चेहरा का डिजाइन बाप बनने वाला नहीं है। अपन को तुम्हारा बच्चा लोग देखेगा ना तो डर जाएगा। बुरा आदमी है, बुरा काम करता है, ये अच्छा काम अपन से नहीं होगा मेम साहब। अपन साला के पास गुस्सा और नफरत का सिवा कुछ नहीं, बचपन से ही मिला है। मुझे नफरत ही चाहिए। क्या बोलता है, नफरत चाहिए? अपन को समझा नहीं मेम साहब। देखो टाइगर, तुम्हें बच्चों का बाप बन के उस मोहब्बत को कम करना है जो उनका बाप उनके दिलों में छोड़कर मर गया है, और ये इसी सूरत में हो सकता है कि तुम उनके बाप बन के आहिस्ता आहिस्ता नफरत करके मोहब्बत की शिद्दत को कम कर दो। अपन फास्ट आदमी है मेम साहब, ये आहिस्ता आहिस्ता का काम अपन से नहीं होता है। जो काम करता है फास्ट करता है। वैसे तुम्हारा काम अपन न फास्ट करेगा न स्लो। देखो मेम साहब, अपन चराय पेशा आदमी है, अच्छा काम का वास्ते अपन किसी से नफरत भी नहीं कर सकता है। मैं इस नफरत के लिए तुम्हारी टेबल पर दौलत का ढेर लगा दूंगी। बोलो कितना रुपया चाहिए? लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख। पांच लाख? तुम ठीक बोलता है मेम साहब, तुम अपन से मजाक तो नहीं करता है? अरे पांच लाख साल अपन का पॉकेट में जाएगा ना, तो अपन अच्छा काम का लिए भी नफरत करेगा, 100% नफरत। मेम साहब तुम पहले एडवांस निकालो। एडवांस? लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कैश नहीं है। रद तेरे का, साला बात तो ऐसा करता था जैसे चलता फिरता बैंक है। चार लाख, पांच लाख, अभी तुम्हें दर से जाओ मेम साहब, जाओ। लेकिन मैं तुम्हें... अरे लेकिन लेकिन छोड़ो, अभी मगज मत खाओ अपन का, अपन को बहुत नींद आता है, जाओ। मेरी बात तो सुनो, मैं तो... अरे छोड़ो मेम साहब, हमने कहा ना जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब आकर अपन से बात करो, अभी जाओ जाओ। चार लाख, पांच लाख, साल खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा अच्छा।
अपन फजूल तारीफ नहीं मांगता है। तुमने अपन का टाइम जाया किया। इस ब्रीफकेस में चंद बेकार कागज के सिवा कुछ नहीं है। तुम साला पागल तो नहीं हो गया ब्लैक जैक? अब ये छोटा मोटा काम भी तुम अपन से करवाता है? ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता था टाइगर। तुम नहीं जानते ये कागजात कितने कीमती हैं और तुम कितने खतरनाक लोगों से इन्हें छीन कर लाए हो। तुमसे बड़ा खतरनाक और कौन होगा ब्लैक जैक? इसीलिए टाइगर जैसा आदमी हमेशा तुमसे होशियार रहता है, समझा? नहीं समझा? तुम तो अपने यार हो। अपन किसी का यार नहीं है, अपन सिर्फ टाइगर है। अपन को कोई बोलेगा तुमको बर्बाद करो, अपन साला उससे माल पकड़कर तुमको बर्बाद करेगा, समझा? नहीं समझा? तुम्हारी यही बातें तो हमें पसंद है, तुम एकदम खरे आदमी। लेकिन तुम खरा आदमी नहीं है ब्लैक जैक। अपन को बताओ तुम ये बेकार कागज लेकर क्या करेगा? ये कागजात एक इंटरनेशनल ब्लैकमेलर ने तैयार किए हैं, जिनमें बड़े बड़े आदमियों के खतरनाक जुराम और उनके काले धंधे के सबूत हैं। ये ब्लैकमेलर आज एक पार्टी के पास इन्हें फरोख्त कर रहा था, लेकिन तुमने उन्हें इसकी कीमत वसूल करने का वक्त ही नहीं दिया। अब ये राज ब्लैक जैक फरोख्त करेगा। बात तेज है ब्लैक जैक, दूर का सोचता है। अभी अपन का पैसा निकालो, अपन जाएगा। पैसा ये लो। और के बस, अभी इतना काफी है। जरूरत पड़ेगा ले लेगा। टाइगर, क्या है? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? डीटा। तो जो बुला दे तो सीधा चला गया।
एरिका, तुम किधर है? ए टाइगर, दिल की आंखों से देखो, मैं तुम्हारे पाँव में हूँ। पाँव में तो सारा बंदे जूता है। ओह, तुम तो पत्थर हो। और तुम सारा कहो ना, रुक क्यों गए? यही तो मुश्किल है। अगर तुम औरत जाते अपन तुमको कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर तुम होता ना कोई मर्द का बच्चा तो सारा उसको अपन इतना गंदा मोटा गाली देता के ए, तुम अपन को इधर किस वास्ते बुलाया है? प्यार करने के लिए। अपन लानत भेजता है ऐसा प्यार पे। कितना बार बोला अपन को प्यार का चक्कर नहीं आता है, तुम्हारा दाल इधर नहीं करेगा, फिर भी सारा तुम अपन को इधर बुलाता है। पर अपन भी साला उल्लू का पट्टा है जो बार बार सब खुल के इधर आता है, पर आइंदा कभी नहीं आएगा। सुराग कर देगा। यही तो ख्वाहिश है, मौत आए तो तुम्हारी गोद। अरे तुम किस मिट्टी का बना हुआ है,
तुम औरत है या सरेश है? जमाव चिमट जाता है। रीटा, अपन जानता है तुम इधर का दादा है, अपन का मतलब है तुम ब्लैक जैक का 50-50 का पार्टनर है, ठीक है? पर अपन तो कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम तुम लोग नहीं कर सकते अपन करता है। पर अपन ये इशक मिशक का काम नहीं कर सकता, अपन आदमी है दूसरा टाइप का, समझा? सच्ची बात बोलेगा, अपन को औरत जात से बहुत डर लगता है। वो बड़ा बड़ा बादशाह लोग का तख्ता को बेड़ा गर्क कर दिया, अपन किस खेत का मूली है, समझा? नहीं समझा? समझता है। इधर चला गया साला। तुम फिर आ गए? मैं एडवांस लेकर आई। अपन तुम्हारा साथ नहीं जाएगा मेम साहब। लेकिन तुमने तो बोला था एडवांस लाओ फिर चलूंगा। हाँ बोला था, बोला था। उस वक्त अपन का मूड ठीक था, अभी अपन का मूड ठीक नहीं। अभी तुम इधर से जाओ। लेकिन मैं ही एडवांस। अरे नोट क्या दिखाता है मेम साहब, टाइगर ने बहुत नोट देखा है। देखो मेम साहब, अपन बाप नहीं बनेगा। तुम्हारा जाने के बाद अपन बहुत सोचा, साला अपन को अपना बाप याद आ गया, जो अपन को अपना माँ का पेट में छोड़कर भाग गया। और अपन का माँ अपन को पैदा किया फुटपाथ पे, और खुद अपना नया कसम का साथ भाग गया। मेम साहब अपन कूड़ा करकट का माफिक सड़कों पर कभी इधर पड़ा रहता, कभी उधर पड़ा रहता। अपन से किसी ने प्यार नहीं किया, सबने अपन को ठोकर मारा है, ठोकर। सब बोलता है अपन हरामी है, पर अपन हरामी नहीं है मेम साहब। हरामी था अपन का बाप, जो अपन को छोड़कर भाग गया। अब तुम अपन को बाप बनाना मांगते हैं, पर अपन बाप नहीं बनेगा, अपन लानत भेजता है सरिश्ता पर। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ टाइगर, मेरे बच्चों की जिंदगी बनकर मेरे साथ चलो। अपन को आंसुओं से नफरत है, आंसू कमजोर इंसान बात है। देखता क्या है, बच्चा लोग साला मरता है तो मरने दो, नया शादी बनाओ, नया बच्चा लोग पैदा करो। टाइगर अगर तुम मेरे साथ ना गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। साला छोकरी होकर टाइगर को चाकू दिखाता है, एक हाथ मारेगा तो दूसरा सांस मुश्किल से लेगा, समझा? नहीं समझा? फिर भी अपन को तुम्हारा यादा पसंद आया मेम साहब, तो मैं करंट है करंट। अब अपन तुम्हारा बच्चों का बाप बनेगा। तो फिर ये एडवांस उठा लो। उधर कितना दिन रहना पड़ेगा? सिर्फ एक माह। इतने अरसे में मैं बच्चों को अपनी तरफ माइल कर लूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम बच्चों को अपने से दूर रखने की कोशिश करो। समझ गया समझ गया, जैसा तुम कहेगा वैसे ही होगा। पर अपन का भी एक शर्त है मेम साहब, उधर अपन 30 दिन का ऊपर एक दिन भी नहीं रहेगा, चाहे तुम्हारा काम हो या ना हो, समझा? नहीं समझा? मुझे मंजूर है, मैं कल आऊंगी। और हाँ, कल तक ये मुझे साफ करवा लेना। क्या बोला? कल तक ये मुझे साफ करा देना। देखो मेम साहब, बहुत हो गया, अगर तुम अपन का मूछों का बारे में कुछ बोलेगा ना तो अपन तुमको झांपड़ मारेगा। अपन मर्द आदमी है टाइगर, समझा? टाइगर, और मूछ अपन का निशान है, अपन मूछ साफ नहीं करेगा। देखो टाइगर, ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ एक महीने के लिए करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वही रूप देकर बच्चों के सामने ले जाना चाहती हूँ जो उनके पापा का था। ये घूर घूर के क्या देखता है? अभी एकदम तो साली जबान पर कंट्रोल नहीं आ जाएगा। साथ वाला माल कौन है? पकार की पहली बीवी। एकदम पोपट है साला, कहाँ है? बताया ना, मर चुकी है। और ये बच्चे हैं,
जिनका बाप बनकर तुम्हें यहाँ रहना है। शकल से बदमाश लगते हैं साले, आइंदा नहीं बोलेगा। ओ रोशी, तुम किधर रह गया था? मास्टर यू? ओ नो, ओ गॉड, ओ गॉड से यू मास्टर। इफी, जेनी, उठो बेटे, तुम्हारे पापा आ गए हैं। इफी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, उठ के देखो तुम्हारे पापा आ गए हैं। उठो ना बेटे, आंखें खोलो, देखो। उठो बेटे, देखो। पापा, 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 आप कहाँ चले गए थे पापा? आपने फोन क्यों नहीं किया था पापा? पापा आप हमें भूल गए थे? बोलिए ना पापा, क्यों नहीं बोलते? तुम साला लोग चुप करेगा तो अपन साला कुछ बोलेगा? हैं? तुम इधर क्या देखता है? आप नहीं आए ना, तो हम मम्मी से रूठ गए थे। हमने बहुत दुख दिए पापा मम्मी को। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अपन तुमसे बहुत खुश है। एमएम साहब, अभी टाइगर को भूख लगा है, खाने का इंतजाम करो। टाइगर कौन पापा? ये अभी अपन इधर क्या बोलेगा? आप चलिए नहा लीजिए, इतने में खाना लग जाएगा। अपन रोज रोज नहीं नहाता है। आप लोग चले आराम कीजिए, अब आपके पापा आ गए हैं, मैंने जाने नहीं दिए। अरे वाह, कैसे नहीं जाने देगा, अपन तो इधर एक महीना का। प्लीज वकार, मजाक की भी कोई हद होती है। चलिए अपने कमरे में, खाना जल्दी देना है, बहुत भूख लगा है। मम्मी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मम्मी हम आपको गलत समझे। नहीं बेटे, मम्मी पापा कुछ बदले बदले से नहीं है, इनकी जुबान। बेटे वो लंदन में बीमार हो गए थे ना, जभी तो आप लोगों को फोन नहीं कर सके। जैसल में बीमारी का असर अभी तक उनके जहन और जुबान पे है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके पापा को खाना देती हूँ। वाह पापा क्या है, हमारी मम्मी तो चमक उठी है। क्या देखता है? तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों के सामने टाइगर का नाम लेने की क्या जरूरत थी? और इस साला साला वाली लैंग्वेज पर भी कंट्रोल करो। मैम साहब, अपन एकदम इतना सारा बात पे कंट्रोल शंट्रोल नहीं कर सकता। अपना एडवांस वापस लो, अपने काम नहीं करेगा। अपन इतना ड्यूटी कभी नहीं किया। अरे अपन साला तो एक सेकंड में वारदात करता, ये जाता वो जाता, अब दूसरा से मत देखो। अभी अपन साला साला नहीं बोलेगा। तो जब अपन से साला निकल गया क्या करेगा? अपन साला का माइंड ही ऐसा है, समझा नहीं समझा? मैं खाना लगाती हूँ। साला टाइगर, इधर तो बड़ा मजा है, महीना पूरा होने से पहले इस घर का सफाया करना ना भूलना। शादी के पास लंबा माल है। साला गलत बात सोचता है, साला टाइगर होके बेईमानी का सोचता है, लानत है तुम पर। अभी 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 इधर ही। कौन सा जबान बोलता है? तुम चिंता हो, मरा कब है? पकार मेरी जान। क्या अपन का हड्डी पस्ती छोड़ेगा साला? तुम है कौन? है कौन? ओ जलील कमीने, मैं तो तेरे 40वें का इंतजाम कर रहा था, तू साला तुम हमारा 40वां करता, अभी अपन तुम्हारा कुल करता। तुम हमारा कुल करेगा, हम तुम्हारा बिल्कुल करेगा। ओ तुम क्या मेरे सीने के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वेंग मशीन तो नहीं? ओ पांव उठाओ चिड़े। साला तुम अपन को चिड़ा बोलता है, अपन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ चिड़ा तो बहुत अच्छी चीज होती है भाईजन, कभी खा के देखे। चिड़ा खिलाते अपन को। तुम क्या झूठा काटे शुरू कर दिए तुमने? भाभी ये साला कौन है मैम साहब? ये अपन का 40वां कराता है। ये वकार के दोस्त हैं अनीस। अभी ये आप मेरे साथ आए, तुम खाना खाओ। खाता है खाता है साला। पानी yes।
साला अपन अच्छा खासा आजाद परिंदा था, किस पिंजरे में फंस गया। भाभी इस आदमी का मिल जाना मतलब मुझसे से कम नहीं है, लेकिन इससे बच के रहिएगा भाभी। मैंने तो चार पांच जेल भी ले हैं, आपने तो फटकी नहीं खानी। उसने मुझसे वादा किया है कि वो तयशुदा शरायत से इधर उधर नहीं होगा। ओए मेरे खुदा, हाय बकार से ये कितना डिफरेंट है। देखिए भाभी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन सीरत तबा तबा तबा। बकार ने तो कभी चिड़ी नहीं मारी थी, और इस तोते ने चुंजे मार मार के ये नीला गुंबद गिरा दिया। ज्यादा लग रहे हो, हंसना और क्या करूं, तुम्हें ये रूप किसने दिया? मेरा एक औरत ने। औरत? हाँ औरत, समझे नहीं समझे, अपन समझाता है। साला बड़ा पोपट है, बड़ा मालदार, अपन से 5 लाख रुपए का सौदा करके अपन को अपने बच्चों का बाप बना दिया। तुमने उससे शादी कर ली? तुम औरत लोग का खोपड़ी जो है ना, होता ही छोटा है, जब सोचता है उल्टा बात सोचता है। अरे अभी तो अपन सिर्फ बाप बना है, टेम्पररी बाप, 1 महीना के वास्ते। 1 महीने के वास्ते? ठीक है, चक्कर चक्कर वक्कर अपन नहीं जानते हैं। एक औरत को अपना बच्चों का जिंदगी के वास्ते एक बाप का जरूरत था, अपन मान लेकर बाप बन गया। अपन का शक्ल उसका खामिन से बाप मिलता जुलता है। और उसका खामिन? वो साला मर गया, ये उसका दूसरा बीवी है। और वो बच्ची? ये बच्चे उसका पहला बीवी से है, उसका भी छुट्टी हो गया ऊपर। औरत बहुत चालाक लगती है, वो जरूर बच्चों की जिंदगी की आड़ में एक बहुत बड़ी गेम खेल रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि बाप की जायदाद के वारिस बच्चे होंगे, यकीनन वो बच्चों से कोई गपला करके अकेली सब कुछ हजम करना चाह रही होगी। ये बात तो साला अपन का खोपड़ी में आया नहीं था। तुमने बहुत सस्ता सौदा किया टाइगर। तुम ठीक बोलते हैं, अभी अपन को क्या करना चाहिए? वही जो एक चालाक बिजनेसमैन को करना चाहिए, नया कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ थे तुम अब तक, बताए बिना इतनी देर घर से बाहर रहे? तुमने इतना भी ना सोचा कि मादे की शर्त के मुताबिक? वो मादा खत्म मेम साहब, अब अपन तुमसे नया मादा बनाएगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम अपन को धोखा दिया, तुम साला एक नंबरी औरत है। अपन को बच्चा लोग का छासा देकर अपना खाविन का जायदाद पर कब्जा जमाना मांगता है तुम। टाइगर? टाइगर नहीं साला, वकार बोलो वकार। तुम्हारा बच्चा लोग सुनेगा तो लफड़ा हो जाएगा। वो तुम्हारा इंतजार करते करते सो चुके हैं। हाँ, सो चुका है, ये तो बात अच्छा बात हुआ, अब अपन भी साला तुमसे खुलकर बात कर सकेगा। क्या बात करना चाहते हो? तुम इधर जो घपला करेगा अपन उसमें 50-50 करेगा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपन को घटिया बोलता है, तुम कितना अच्छा है, अपने शौहर को मार के उसके जायदाद पे कब्जा जमाना मांगता है, घटिया तुम है। शहर बकार मेरा शौहर था, मेरा मुकद्दर था, और कोई भी अपने हाथों से अपना मुकद्दर नहीं खोलती। मुझे अगर उसकी जायदाद पर कब्जा करना होता तो मैं बकार के बच्चों को कभी अपना ना समझती, उनको जिंदगी की तरफ लाने की कभी कोशिश ना करती। बकार का सब कुछ उसके बच्चों का है टाइगर, मैं तो तुम्हें भी जो मुआवजा दूंगी अपने अकाउंट में से दूंगी। मुझे बकार के बच्चों के सिवा उसका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपन पे यकीन तो नहीं आता, पर फिर भी अपन तुम्हारे एतबार करता है। लेकिन याद रखो अपन साला का आदमी बहुत तेज है, अगर तुमको जरा गलत देखेगा अपन भी गलत हो जाएगा। वैसे अपन बंदा उसूल वाला है, बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता है, समझा नहीं समझा? मास्टर। ए
है? पापन तुम्हारा मास्टर नहीं है? हम जानता। फिर तुम मास्टर क्यों बोला? इसलिए कि तुम हमारा मास्टर जैसा। ये तो साला जैसा शक्ल बनाकर हम मुसीबत में पड़ गए हैं। प्लीज खाना खा लो। तुमको अपन के खाने का बहुत ख्याल है पर अपन खाना नहीं खाएगा। खा लो मास्टर, हम बहुत देर से तुम्हारा वेट करता है। हम जानता तुम खाना नहीं खाया। तुम कैसे जानता है? तुम खुदा है? नहीं, हम मम्मी है। मम्मी है? हमको नफरत है इस रिश्ता से। मम्मी हम पूरी ट्राई करेगा कि तुमको इस रिश्ता से लव हो जाएगा। तो अपन को मेम साहब ने यही दिया। ये तो ए, ए बच्चा लोग, चलो उठाओ उठाओ। तुम लोग इधर क्यों सोते हैं? ये तुम्हारा बाप का कमरा है? जी पापा, हम आपके साथ सोएंगे पापा। देखो अपन बहुत बुरा आदमी है, हम अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है। हम तुमको प्यार से बोलते हैं, इधर से चुपचाप चला जाए। चलो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो अपन तुमको एक जोरदार झापड़ लगाएगा, समझा? आप हमें जितना मर्जी मार लें पापा, लेकिन अपने पास सुला लें प्लीज पापा। फिर ठीक कहता है पापा, हम बहुत उदास हैं, हमें अपने सीने से लगा लो पापा, चाहे हमारी 100 पपियां ले लो। एक तो साला तुम दोनों बहुत ढीठ है, हैं? अपन देखो, अपन तुम लोगों का बात में नहीं आने वाला। तुम जानता है अपन बहुत बुरा आदमी है, चलो इधर से, नहीं तो देगा झापड़। चला साला किस लफड़ा में फंस गया? का मार मार किया तो अपन को खाना ही पड़ेगा। खा लेता है साला टाइगर, बड़ा घर में आ गया है साला, तमीज। इसलिए हमने उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल कर दी है। तुम्हारा मम्मी किधर है? रात हम झूठ मूठ सो गए तो मम्मी भी नींद की गोलियां खाकर सो गई, फिर हम भाग कर इधर आ गए। ओह गॉड, तुम लोग रात से इधर हैं? यस मैडम। मैडम, तुम पापा की बेटी लाई हो? लाए, हम ले जाते हैं। नो, ये आपका काम नहीं है। मैडम, किसी बहाने पापा को मना लेंगे, शायद वो हमसे नाराज है। प्लीज मैडम। मैडम प्लीज। तुम लोग इधर क्या करते हैं? आपके लिए बैटरी लाए पापा, कुल्ले के लिए गर्म पानी भी लाए पापा। यार तुम लोग अपन को जरूर जलील करा के छोड़ेगा। तुम लोग इधर से जाओ बाबा, अपन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं पिएगा, समझा? नहीं समझा? पापा आपको क्या हो गया? पहले तो आप ऐसे ना थे। अरे अपन साला तो हमेशा से ऐसा ही है यार। पापा कुल्ली कर लीजिए ना प्लीज। अच्छा देखो, अपन कुल्ली भी करेगा, चाय भी पिएगा, ठीक है? पर तुम लोग मेम साहब को नहीं बताएगा। मेम साहब?
वो कौन है पापा? अरे वही मेम साहब यार जो अपन को इधर लाया, इधर ले जाओ इधर से, अपन जा रहे हैं कुछ नहीं पीता, जानता नहीं अपन का नाम टाइगर है, अपन खून पीता है, तुम लोग नहीं जाएगा अपन तुम्हारा भी खून पिएगा, चलो जाओ। अपन तुमसे माफी मांगता है यार, अपन तुमको सॉरी बोलता है, क्या करेगा, अपन का दिल तो करता है कि तुम लोगों से बहुत प्यार करें, पर साला अपन का कांटेक्ट बोलता है तुमसे गुस्सा करें, थप्पड़ मारे, अपन का समझ में कुछ नहीं आता, अपन किस लफड़ा में फंस गया यार। मम्मी जी बेटे, पापा को क्या हो गया है, वो ना हमको पप्पी करते हैं, ना अपने साथ सुलाते हैं, ना शहर के लिए ले जाते हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। नहीं बेटे, हमें क्या जरूरत पड़ी हम उनसे माफी मांगे, बस आप लोग उनसे दूर ही रहा गए, आपको जो चीज चाहिए अपनी मम्मी को बोलें। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। ए, ए, तुम इधर क्या करना है? तुम्हारा कपड़ा प्रेस करना है। कपड़ा पहन के जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। औरत का दिल में खोट नहीं आ रही था, अपन आदमी का अंदर वाले का हाल जानता है, तुम बोलो तो अपन ये भी बता सकता है कि इस वक्त ब्लैक चेक का अंदर वाला क्या कहता है। क्या कहता है? जिधर अपन बाप बन कर गया है उस घर को ब्लैकमेल करके लूटे। क्यों ब्लैक चेक? व्हाट अ टेलीपैथी, तुमने ठीक कहा है टाइगर, मैं भी यही सोचता हूँ, जो औरत अपने बच्चों के लिए 5 लाख दे सकती है वो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए 50 लाख भी दे सकती है। फिर तुम वो बच्चे किडनैप कर लो, बच्चों को किडनैप कर लो। सारा तुम भी एकदम फकड़ है ब्लैक जैक, हमेशा भूल जाता है टाइगर बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता है। अपन मेम साहब को धोखा नहीं देगा, अपन जानता है अपन उन बच्चों का झूठा बाप है, पर अपन उन बच्चों को किडनैप नहीं करेगा, और अगर कभी तुम उन बच्चों को किडनैप करने का कोशिश करेगा ब्लैक जैक, तो तुम्हारे रास्ते का सबसे पहला दीवार टाइगर होगा, समझा? नहीं समझा, चलता है। ए, टाइगर। रीटा को इसलिए अच्छी लगती हो कि तुम पत्थर हो, अगर किसी मोड़ पे तुम इंसान बन गए तो रीटा के लिए बेकार हो। अपन साला जिंदगी का हर मोड़ पर तुम्हारा वास्ते बेकारी रहेगा, देखता क्या है, समझा? नहीं समझा, नहीं समझा तो अभी छुट्टी करो, अपन जाते हैं। बाहर क्या कर रहे थे और आपके साथ वो चुड़ैल कौन थी? तुम्हारी माँ। साला इतना झूठा होकर अपन पे हुक्म चलाता है। पापा अपने आप को बदलिए वरना हमें आपसे नफरत हो जाएगी। तो बाबा जल्दी करो ताकि अपन का भी इधर से जल्दी खलासी हो। पापा आप इतने संदिग्ध तो न थे।
बहुत अच्छे थे पापा, हमें खिलौने ला कर देते थे, हमें ट्रॉफियां ला कर देते थे। अगर आप हमसे इतना उठा गए तो हमें यतीम खाने छोड़े, हम समझ लेंगे कि हमारा कोई नहीं। तुम अपना आंसू करो को सगा, तुम बच्चा लोग रोता है तो अपन भी टूटने लगता है, अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन भी रोएगा। अभी रोको अपना आंसू, रोको अपना आंसू, रोको। क्या शोर मचा रखा है, और आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अपने कमरे में। टाइगर ये सब क्या है? ये सब अपन का समझ में भी नहीं आता है मेम साहब, अपन साला भी बहुत परेशान है। इस घर से बाहर जाता है अपन टाइगर बन जाता है, इस घर में वापस आता है तुम्हारा बच्चों की तरफ देखता है कि इस औरत का प्यार की तरफ देखता है तो अपन टूट टूट जाता है। मेम साहब तुम अपना बच्चों को अपन से दूर रखो, दूर रखो। उनका नफरत में भी एक जादू है, वो अपन से जितना नफरत करता है अपन साला के दिल में उतना ही मोहब्बत बढ़ता जाता है। नहीं मेम साहब, अपन का दिल में किसी का मोहब्बत नहीं बढ़ सकता क्योंकि अपन पत्थर है, पत्थरों का दिल नहीं होता मेम साहब, सुना तुमने? पत्थरों का दिल नहीं होता। उलझा मत करो माईसान, तुम परेशान होता हम भी परेशान होता। तुम परेशान होकर अपन को क्यों परेशान करता है? तुम अपन का क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मगर इधर कुछ फीलिंग है तुम्हारे वास्ते, माँ का फीलिंग। ओ माँ, अपन को नफरत है। शट अप, पहले हमारा बात सुनो फिर कुछ बोलो। तुम अपना आप को बुरा आदमी समझता? अपन बुरा आदमी है? नहीं है, अगर तुम बुरा आदमी होता तो इधर अच्छा काम के वास्ते क्यों आता? हर बुरा आदमी के अंदर एक अच्छा इंसान होता, यस, मगर वो तुमको नजर नहीं आता। इस वक्त तुम्हारा साथ भी कुछ ऐसा होता। उस बुरा आदमी को मर जाने दो, मर जाने दो, लेट हिम डाई। अपन साला किस लफड़ा में फंस गया है? रोशी, तुम बच्चों को टाइगर के पास क्यों जाने देता? उनको रोकता क्यों नहीं? अगर मैंने उनको रोक लिया तो उनके दिलों में वो मोहब्बत दम नहीं तोड़ेगी जिसके लिए मैं टाइगर को यहां लाई हूं। कि तुम यहाँ एक महीने के लिए पाबंद होकर आए हो और अभी तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए, पर इन 10 दिनों में अपन 10 लाख बार टूटा है मेम साहब।
नोटों को उठा लो, ये तुम्हें जोड़ने के लिए काफी रहेंगे। इन्हें उठा लो टाइगर और अपनी आंखों में जहर भर लो। ठीक बोलते हैं मैम साहब, अपन साला गलत रास्ता पर चल पड़ा था। अच्छा क्या तुमने अपन को बता दिया? अच्छा किया। ये रुपए लेते जाओ। चोट तो नहीं आई बेटे? नहीं मम्मी। मम्मी पापा कितने संगदिल हो गए। पहले जब हमें कुछ हो जाता था तो उनकी जान पर बन आती थी और अब वो पूछता है, तुम साला से उसका जवाब देगा। इधर तुमको क्या फील होता है? इधर थोड़ा रहने करते। क्यों करता है? इधर तो पत्थर था। ओह मास्टर, तुम इडियट है। इंसान का सीने में पत्थर नहीं दिल होता, और जब दिल का फीलिंग बदलता तो इंसान बदलता। तुम सब लोग जादूगर हैं। तुम लोगों ने अपन से टाइगर को छीन लिया, पर याद रखो वापस लाएगा। अपन टाइगर को मरने नहीं देगा। अपन इस दुनिया में इंसान बनकर जीना नहीं मांगता, अपन हैवान बनकर जीना मांगता है। हैवान बनकर। इतना अच्छा बात कोई हैवान नहीं सोच सकता माय सन। तुम कोशिश करके देखो, तुम इंसान से हैवान नहीं बन सकता। ये मम्मी का एक्सपीरियंस है। अपन तुमको बनकर दिखाएगा ओल्ड वुमन। अपन तुमको हैवान बनकर दिखाएगा। लोगों का सूरज जब भी देखता है अपन मुश्किल हो जाता है। आज अगर उधर भीम साहब नहीं होता ना तो अपन तुमको गोद में उठा लेता। तुमको ज्यादा चोट तो नहीं आया बेटा? अपन बेटा बोला, अपन को तो किसी ने आज तक बेटा नहीं बोला। कभी ढूंढ लेना कभी खुद
भी जो तुम्हें दुख दिया है, कर दो माफ में जो कुछ किया है। नहीं नहीं कभी नहीं, मेरी मजबूरी थी जो तुम्हें दुख दिया है, कर दो माफ मैंने जो कुछ किया है। नहीं नहीं कभी नहीं। देखो मेरे बच्चों मेरा दिल ना दुखाना, देखो मेरे बच्चों मेरा दिल ना दुखाना। कैसा प्यारा खेल है ये छुप ना छुपाना, कभी ढूंढ लेना कभी खुद खो जाना। कैसा प्यारा खेल है ये छुप ना छुपाना। जाने साला अपन से कैसे बोल देता है? क्या यही कि अपन तुमसे मोहब्बत करता है, तुम अपन को बहुत अच्छा लगता है। शट अप, इस घर में अपनी वैल्यू मत भूलो। यहां तुम्हें सिर्फ कठपुतली बन के रहना है, किराए की कठपुतली। देखो तो सही, सोए हुए कितने मासूम लगते हैं पापा। लेकिन तौबा है, जब बोलते हैं तो पक्के भेड़िए लगते हैं। जेनी, इतने दिनों से पापा की पप्पी नहीं की, अब मौका है और एक एक पप्पी कर ले। अब पैसे क्यों बन गए हैं पापा? अपन को ऐसा बनाया गया है, अपन क्या करेगा? तुम लोग इधर क्यों आए? हमें पता चला है पापा, आप दो दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले। आपकी तबीयत ठीक नहीं? हाँ ठीक नहीं है। फिर हम आपके बच्चे हैं पापा, अगर आपके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं तो हम आपकी तरह संगदिल नहीं बन सकते। कम से कम हालचाल तो आकर पूछ ही सकते हैं। अपन को किसी का हमदर्दी नहीं चाहिए। ए, ये तुम क्या लेकर आए? चलिए शेव कर लीजिए। क्यों करूं? हमें अपना नहीं तो दुश्मन ही समझकर मान लीजिए पापा। यकीन कीजिए, ये सब कुछ हम आपसे सुलह करने के लिए नहीं कर रहे। हमारा बाइकॉट अपनी जगह है, लेकिन हमदर्दी अपनी जगह। बीमार का हाल तो गैर भी पूछने आ जाते हैं। आओ फी चले। मम्मी, ये वही औरत है जो पापा को बिगाड़ती है। हेलो, वकार साहब घर पे हैं? जी। जरा उन्हें कहिए रीटा आई है। आप बैठिए। रमजू साहब को बुलाओ। आप मिसेस वकार है ना? जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल वकार जैसी आंखें, साफ पता लगता है कि वकार के बच्चे हैं। जी नहीं, हम अपनी मम्मी के बच्चे हैं बस।
ओ, तो पापा से कोई नाराजगी है? नाराजगी नहीं, दुश्मनी है। हेलो मिस्टर वकार। तुम इधर काहे को आ गया? 7 रोज से तुमने शक्ल नहीं दिखाई, लेने आई हूँ तुम्हें। अरे तो तुम अपन कब फोन कर देता, अपन उधर आ जाते, तुम क्यों आ गए इधर? देखने आई हूँ वो कौन सा घर है, कौन से लोग हैं जिन्होंने टाइगर जैसे आदमी के पाँव में जंजीरें डाल दी हैं, वो कौन सी सूरतें हैं जिन्हें देखकर हमें फरामोश कर दें। बस बस, तुम जब देखो रोमांटिक हो जाता है, ना जगह देखता है ना लोग। तुम चलो अपन साथ, चलो चलो। मम्मी देख लिया आपने, पूरे बदमाश हो गए हैं पापा, अब तो बुरी बुरी औरतें भी घर आने लगी। अपन तुमको कई बार बोला ब्लैक जैक, तुम उधर किसी को नहीं भेजेगा, फिर तुमने इसको उधर क्यों भेजा? तुम्हारी सब जरूरत थी। काम बोलो, तुम्हें एक आदमी को कत्ल करना है, क्या बोलता है ब्लैक जैक? अपन ने तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा खतरनाक काम किया है, लेकिन कत्ल अपन साला ना कभी किया है ना करेगा, समझा? नहीं समझा? कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं टाइगर, तो फिर साला तुम खुद क्यों नहीं करता है, अपन को क्यों बोलता है? ए टाइगर, तुम जब भी आते हो मुझे कत्ल करके चले जाते हो, आज मेरी जगह किसी और को कत्ल कर दो। एक तो साला तुम हर जगह रोमांटिक हो जाता है, जिधर देखो अपना प्यार का टोकरा खोल के बैठ जाता है। अभी अपना जबान बंद करो, अपन सीरियस बात करता है। लग जा, अपन ये कत्ल वतल नहीं करेगा। मैं उस कत्ल होने वाले के सर की कीमत वसूल कर चुका हूं, तो कीमत लौटा दो। कीमत वापस नहीं दूंगा, हाँ तुम्हारे जरायम की लिस्ट पुलिस के हवाले जरूर कर दूंगा। धमकी देता है? अपन पुलिस में जाएगा तो तुम साला किधर जाएगा? हम तो जेल काट लेंगे, पर तुम सोचो, तुम्हारा वो बच्चों वाला एग्रीमेंट बीच में रह जाएगा, उन बच्चों का बाप एक बार फिर मर जाएगा, और वो बच्चे बताऊं वो आदमी कौन है जिसे तुमने कत्ल करना है? कौन है ये? नहीं जानता ब्लैक जैक, अपन बुज़दिल हो गया है, अपन का हाथ कांपता है, ऐसा लगता है जैसे अपन पर किसी ने जादू कर दिया है। आज के बाद अपन इधर फिर कभी नहीं आएगा ब्लैक जैक। अपन तुमसे शर्मिंदा है, तुम पुलिस को अपन का जरायम का लिस्ट दे देना, लेकिन
बच्चों वाला एग्रीमेंट खत्म होने के बाद यह हमारा तुमसे पहला और आखिरी रिक्वेस्ट है। अब क्या होगा बॉस? तुम फिक्र ना करो, हमें अपना नुकसान पूरा करना आता है। मास्टर, क्या छुपाता? कुछ भी नहीं छुपाता, अपन तुमसे क्या छुपाएगा? ये देखो खाली, ये देखो ये कभी कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अभी अपन जाए खाना। खाना अभी अपन को भूख नहीं है मामी। मामी, तुमने हमको मामी बोला? तुम भी तो अपन को बेटा बोलता है ना, तो अपन मम्मी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? तुम बुरा माना? नो, हमको बहुत अच्छा लगा। अपन को भी अच्छा लगा। बच्चा लोग कहते हैं गुड। क्यों लाएगा? किसका लिए लाएगा? मैंने तुम्हें खुद कमरे से निकलते देखा है। सुनो टाइगर, तुम जिस काम के लिए इधर आए हो बस वही करो। नेब साहब, अपन जिस काम के लिए इधर आया वो तो हो गया। तुम्हारा बच्चा लोग अपन से नफरत करने लगा है, तुम्हारा मोहब्बत उनसे बहुत बढ़ गया है। अपन ये टॉफी तुम्हारा बच्चों के लिए इसलिए लाए मेम साहब कि कल का दिन तो इस घर में अपन का आखिरी दिन है, फिर तुम्हारा बच्चा लोग अपन को कभी भी याद नहीं करेगा मेम साहब। पर मेम साहब, अपन तुमको, तुम्हारा बच्चा लोग को बहुत याद करेगा। तुम्हें तो आंसुओं से नफरत थी और आज आज तुम खुद रो रहे हो। मेम साहब, अपन को आज पता लगा है, अपन बचपन से लेकर अब तक रोता ही रहा है, पर अपन का आंसू अपन का अंदर ही गिरता रहा है। इन आंसुओं ने अपन को बेनकाब कर दिया मेम साहब, अपन भी सारा अंदर से इंसान निकला। सचमुच का टाइगर होता ना, खैर छोड़ो मेम साहब, अपन तुमसे एक दरखास्त करेगा, तुम मानेगा? हाँ, बोलो। ये टॉफी तुम बच्चा लोग को दे दो, टाइगर का नाम से मत देना, तुम अपने नाम से देना। ये टॉफी बच्चा लोग खाएगा तो अपन को बहुत खुशी होगा मेम साहब। अपना क्या है, अपन तो कल यहां से चला ही जाएगा ना। Thank you.
बेगम साहब, बेगम साहब। क्या हुआ फसलू, बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने बच्चे अगवा कर लिए। नहीं मैडम, मेरे बच्चे। ए, बच्चा को कौन ले गया, तुम बोलता क्यों नहीं? सर वो लोग। तुम रो मत मेम साहब, बच्चा लोग जिधर भी है अपन लोग निकालेगा अपन, तुम रो मत। रोशी पुलिस को फोन करो। हेलो मिसेस वकार। कौन है तुम? आपके बच्चों का रखवाला ब्लैक जैक। आपके बच्चे मेरे पास, अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे वापस आ जाएं, तो उनकी कीमत 25 लाख अदा कर दीजिए। बच्चों से बात कीजिए। मम्मी हमें बचा लीजिए, ये लोग बहुत खौफनाक हैं। मम्मी मम्मी प्लीज हमें बचा लो। बाकी बातें फिर होंगी। बच्चों की जिंदगी की कीमत लेकर जूलिया के खंडरात की पहाड़ियों पे पहुंच जाओ, और देखिए अगर पुलिस को इत्तला की तो बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। बाय। रोशी रोशी क्या हो गया तुमको? किसका फोन था? उस संदिल का, जिसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। वो 25 लाख रुपए मांग रहा है। कौन है वो? ब्लैंक चेक। मैडम अब मैं 25 लाख कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतना रुपया नहीं है। उसने धमकी दी है कि अगर पुलिस को फोन किया तो बच्चे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। टाइगर टाइगर कहाँ चला गया? ब्लैक चेक। आओ टाइगर, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। टाइगर मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी तुम्हारा दोस्त हूं। ये दीवार तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। दुश्मन बनकर आए हो तो ये दीवार तुम पर टूट पड़ेगी। टाइगर साला, अपन तो बड़ा बड़ा दीवार टूटता हुआ देखा है, आज तू इस तूफान को अपना ऊपर टूटता हुआ देखेगा। ब्लैक जैक, तुम मुझसे टकराओगे, मुझसे। क्या लगते हैं ये तुम्हारे? ये अपन का जान है ब्लैक जैक, इनका खातिर अपन तुम से तो क्या सारा दुनिया से टकरा जाएगा। खोल दो बच्चों को। इन बच्चों की आजादी की कीमत 25 लाख है, लाए हो? नहीं, खाली हाथ आया। अगर तुम बच्चों को अपना हवाले नहीं करेगा ब्लैक जैक, तो इन खाली हाथों में तुम अपना मौत देखेगा, समझा? नहीं समझा? Yeah!
अभी तुम टाइगर को समझा नहीं समझा। छोड़ दो साहब, अपन इस साले को जिंदा नहीं छोड़ेगा, छोड़ दो। नहीं टाइगर, नहीं, इसको अदालत सजा देगी। तुम हमें फोन करने के बजाय अपने साथ ले आते तो तुम्हारी ये ना बताती। बहरहाल तुम हमारे सुल्तानी गवाह हो, गिरफ्तार कर लो इन सबको। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया मेरा नहीं, उस शख्स का कीजिए, मिसेज वकार, जिसने अपनी जान पर खेलकर आपके बच्चों की जिंदगी बचाई है। टाइगर, तुमने, अपन ने कुछ नहीं किया मैम साहब, अपन ने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तुम्हारा बच्चा लोग अपन को अपना पापा बुलाता ना, अगर अपन उनको वापस लेकर इधर नहीं आता मेम साहब, तो अपन को सारा जिंदगी चैन नहीं आता। तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं मेम साहब, अपन ने तुम पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया, तुम अपन पर एक एहसान कर दो, अपना बच्चा लुक से अपन को सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने का इजाजत दे दो। अपन तुमसे कुछ और नहीं मांगता मेम साहब, अपने मेम साहब थोड़ा देर के बाद तो अपन साला भी इधर से चला जाएगा ना। मिल लो टाइगर। मेहरबानी मेम साहब। तुम लोग अपन से बहुत नफरत करता है ना, अपन तुम्हारा नजर में बहुत बुरा आदमी है ना। आप पहले अच्छे थे, अब बुरे हैं। अपन पहले बुरा था यार, अभी अच्छे है। इस तरह से तुम लोग नहीं समझेगा, अपन तुम लोग को साफ साफ बताएगा, नहीं बताएगा तो अपन मर जाएगा। देखो अपन तुम्हारा पापा नहीं है, अपन टाइगर है। टाइगर तुम्हारा पापा, तुम्हारा पापा मर चुका है। तुम्हारा मम्मी अपन को किराए पे लाया, अपन तुम्हारे साथ नफरत करना नहीं मांगता था, पर अपन तुम्हारे साथ नफरत किया इस वास्ते किया कि तुम अपना मम्मी से बहुत प्यार करे। अपन जाता है अभी, अभी तुम लोग समझदार हो गया ना, अपना पापा का बगैर भी जिंदा रह सकता है, पर अभी जाने से पहले तुम्हारा सामने हाथ बांध के माफी मांगता है, अपन को माफ कर दो यार, अपन तुम्हारे साथ बहुत सख्ती किया, तुमको बहुत तकलीफ दी, अपन को माफ कर दो। क्या करूं, अपन मजबूर था। तुम लोग रोते हैं जैसे बुरा आदमी के लिए रोते हैं ना, रो यार, नहीं तो अपन का सीना फट जाएगा, अपन इधर से जा नहीं सकेगा ना। बोलो अभी तुमने अपन को माफ किया, माफ किया ना? अपन सब कुछ भूल जाएगा, पर तुमको कभी नहीं भुला सकेगा। अभी अपन का जाने से पहले तुम लोग एक बार अपन को पापा बोल के पी देगा। पापा, पापा। चल, अब चलते हैं, चलते हैं। मैं
तो रोक दीजिए मम्मी, वो जैसा भी है हमारे पापा जैसा है। एक दिन हमने पापा को मजबूर किया था कि वो आपको हमारी मम्मी बना दे, आज हम आपको मजबूर करते हैं कि टाइगर को हमारा पापा बना दे।